मशकूर मियां, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से जमशेद नाहल निकला, इसी तरह से समरीन का होने वाला शौहर नालायक निकलेगा। हमें आगे जाना है, रुहेल अकेला है, समरीन को भी वक्त दरकार है। और ये हमारे दामाद मियां जो है हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो अंतक मेहनत करके कारोबार को अपना आगे बढ़ाया गया है, इसमें रोहिल का मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो हम इन दामादों के हवाले करते हैं। इनका काम यह कि वो हमारी बेटियों से शादी करें और हमारी दौलत पे ऐश। वाह, जमशेद के बारे में तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन समरीन के होने वाले शौहर के बारे में हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। भैया, आप ही हमारी सिफत के मुतरिफ है ना कि हम मर्दम शनास हैं। मानते हैं, ये बात मानते हैं, लेकिन यहां मामला हमारी बेटी के रिश्ते का है, कारोबार का नहीं है। रिश्ते इंसानों दरमियान होते हैं और इंसान ही इंसान को धोखा देता है, और इंसान ही इंसान के काम भी आता है। मशकूर भी बगैर परखे मैं किसी भी भरोसे कायल नहीं। तो मैं कब कह रहा हूं बगैर परखे लड़की कहां थमा दो, प्रॉपर रिश्ता आएगा, फिर आप अपनी तसल्ली कर लें, हम अपना तजिया देंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि आखिरी फैसला समरीन ही करेगी। तो शम्मो ने किया था, क्या मतलब है तुम्हारा? मशहूर मियां, बाज बातों में आप मुझे जुबैदा बेगम से दो हाथ आगे लगते। मैंने ऐसा क्या कह दिया? उस अभी यही कहा गया था कि जो होगा वो शम्मो की मर्जी के बगैर नहीं होगा। नतीजा आपके सामने है। तो क्या गलत कहा था मैंने? लड़कियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? ये उनका हक है। अब नतीजा क्या निकलता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। जानते बूझते हुए मुझे तारीख दोहराने का कोई शौक नहीं। बेटी मेरी है, जो सही फैसला होगा मैं वही करूंगा। गुस्ताखी की पेश की माजरत।